हत्या द्वारा 3 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में 8 गिरफ्तार। मुख्य आरोपित अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। DN20 दरभंगा। बीते गुरुवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के GM रोड में भू माफिया द्वारा एक परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश और घर को जबरन बुलडोजर से ढहाने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी सुकुमार झा समेत कुल 13 आरोपियों को चिन्हित किया गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निकी झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और करीब तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। देखिए, उसका CCTV हम लोगों ने निकाला है और CCTV देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है, किसने आग लगाया? ये अनुसंधान का विषय है और जो CCTV फुटेज है वो सबके सामने है। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। सर, ये लगता है कि जिस तरह से 9 को घटना हुई, पुनरावृत्ति 10 को की गई, अगर पुलिस अलर्ट होती शायद घटना को टाला जा सकता था। नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से है? इसमें जो बातें हो रही हैं कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना किस तरह से लापरवाही प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग स्थित SDPO से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। घटना के वक्त भी पुलिस को लगातार संपर्क में परिवार बता रहा है कि हम फोन पे थे लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, क्या कहेंगे? घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो त्वरित वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो JCB आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। एक और आरोप लगाया गया है कि जो JCB का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है? इसकी भी जांच कराई जाएगी, ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उनकी भी कार्रवाई होगी। ये लोगों को हायर किया गया था और हायर करके ये लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें DigitalNews20।